हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना और अपने बड़े का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने अभी अभी क्या मनाया है, 26 जनवरी का दिन मनाया है, रिपब्लिक डे मनाया है। तो आज का थंबनेल देखकर भी आप लोग समझ गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक डे के बारे में। किसके बारे में? रिपब्लिक डे के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और पद्म अवार्ड्स मिलते हैं रिपब्लिक डे के दिन, ठीक है? सबको पता होगा पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं, पद्म अवार्ड्स अनाउंस किए जाते हैं और दिए जाते हैं, ठीक है? तो उन्हीं अवार्ड्स के बारे में भी जानेंगे, कितने अवार्ड्स इस साल मिले और कौन कौन से मोस्ट प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी को अवार्ड्स मिले, राइट? चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू रेडियो लर्निंग। रेडियो लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं उपासना जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, हर साल रिपब्लिक डे को 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है, सबको पता है, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ और देश एक गणतंत्र बन गया। तो आपको पता होना चाहिए क्यों इसे ऑब्जर्व किया जाता है। जो चीज़ें पता हैं वो आपको पता ही हैं, और जो चीज़ नहीं पता थोड़ी बहुत चीज़ें आप इस वीडियो के जरिए भी जान जाएंगे। चलिए साथ ही मैं आपको बता दूं, इस साल हम लोगों ने मनाया था कौन से नंबर का रिपब्लिक डे? इस साल हम लोगों ने मनाया था 73rd नंबर का, 73वां रिपब्लिक डे इस साल हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। और इस साल यहाँ पर इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस परेड में भारत में COVID-19 महामारी से उत्पन्न वैश्विक स्थिति के कारण कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आया। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, चीफ गेस्ट इस साल कोई भी हमें देखने को नहीं मिले। क्यों? सबको पता है COVID-19 की सिचुएशन है, और इस सिचुएशन पर कोई भी कंट्री से कोई भी चीफ गेस्ट को नहीं बुलाया गया, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आज रिपब्लिक डे 26th of January को क्यों मनाया जाता है, कैसे कैसे चीज़ें चलती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, और आपको पता होगा, स्वतंत्रता तो हमें 15 अगस्त के दिन मिली थी, राइट? 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली थी, और उस समय भारत के संविधान के लागू होने तक, यानी कि 26 जनवरी 1950 को किंग जॉर्ज 6 के नेतृत्व में भारत का नेतृत्व किया गया था। 15 अगस्त को हमें स्वतंत्रता मिली थी, और यहाँ पर बात की गई है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, और उस टाइम पर ही इसी वजह से 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, राइट? अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यह वह दिन है जब भारत ने खुद को एक लोकतांत्रिक गणराज्य राष्ट्र घोषित कर दिया था। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे, राइट? चलिए अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हालांकि भारत 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था, सबको पता है हमें स्वतंत्रता कब मिली थी, 15 अगस्त के दिन मिली थी, और 26 जनवरी की अगर बात आती है तो 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता की सच्ची भावना का आनंद लिया गया। जब कब लिया गया? जब भारत का संविधान अर्थात भारत को अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता देकर लागू किया गया। आप लोगों को पता है भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है? भारत में सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन चलती हैं, उसमें राइट्स हैं, ठीक है? DPS में बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको पता है पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, प्रेसिडेंट की पोस्ट है, CM की पोस्ट है, गवर्नर की पोस्ट है, कैप की पोस्ट है, मतलब सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में एक कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हमारे कंट्री में भी चलती हैं, ठीक है? और कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो उसी दिन को 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता की जो सच्ची भावना का आनंद लिया गया था भारत के संविधान को लागू करके, तब प्रॉपर तरीके से पता चल गया था भाई हम लोग 15 अगस्त 1947 से पहले दूसरों के रूल्स पर चलते थे, राइट? अब फाइनली हम लोग अपने रूल्स पर, अपने बनाए हुए रूल्स पर चलेंगे, उनको फॉलो करेंगे, और उसके हिसाब से सरकार और उसके हिसाब से पूरे कंट्री को चलाएंगे। ऑब्वियसली दिन तो बहुत बड़ा है,
ठीक है, और उस दिन को मनाया भी जाना चाहिए। इसी वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से ही रिपब्लिक डे को ऑब्जर्व किया जाता है। 26 जनवरी 1950 में संविधान को लागू किया गया था, राइट। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट द मेन रीज़न इज दिस, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ क्या, इस दिन भारत ने औपचारिक व्यवस्था के अंतिम अवशेष को बहाया और एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनकर एक नया सवेरा किया। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, यहाँ पर बात की गई है संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र के बारे में, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। आगे की स्लाइड में हम लोग इनके बारे में बातें करेंगे। चलिए, संप्रभु की अगर बात की जाए तो भाई आपको पता होना चाहिए सोवरन, द वर्ड सोवरन इम्प्लाइज दैट इंडिया इज नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। मतलब संप्रभु शब्द का जो अर्थ है वो है भारत ना तो किसी अन्य राष्ट्र का एक आश्रित है और ना ही एक स्वतंत्र राज्य है, इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है और यह अपने मामलों का संचालन करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। सोवरन का मतलब ये होता है, आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं डेमोक्रेटिक के बारे में, मतलब लोकतांत्रिक के बारे में। तो लोकतांत्रिक का मतलब क्या है, लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात लोगों के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का कब्जा। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, इट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी दैट इज पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पब्लिक, मतलब सुप्रीम पावर बाय द पब्लिक, राइट। अब बात करते हैं रिपब्लिक के बारे में, मतलब गणतंत्र के बारे में। प्रस्तावना ये इंगित करती है कि भैया भारत का एक निर्वाचित प्रमुख है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है, प्रेसिडेंट जिसे कहा जाता है, वह अप्रत्यक्ष रूप से 5 साल के निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर इलेक्टेड की बात की गई है, इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड विच इज कॉल्ड एज द प्रेसिडेंट, राइट। इस वजह से हमारी कंट्री रिपब्लिक है, राइट। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और अगर कहीं पर भी डाउट है तो प्लीज करके आप लोग कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं पद्मा अवार्ड्स के बारे में। आपको ये बात मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 26 जनवरी के दिन पद्मा अवार्ड्स को दिया जाता है। अब यहाँ पर इस साल किन किन को कौन कौन से पद्मा अवार्ड्स मिले, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ऑन द एव ऑफ 73rd रिपब्लिक डे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द पद्मा अवार्ड्स 2022। इस साल अगर मैं आपको बताऊँ क्या, 128 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कैटेगराइज किस तरह से किया गया है। यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री अवार्ड्स दिए जाएंगे, राइट। कितने कितने, 7, यहाँ पर 4 पद्म विभूषण की बात की गई है, 17 पद्म भूषण की बात की गई है और 107 पद्मश्री अवार्ड्स की बात की गई है, जिसमें से 34 ऑफ द अवार्डीज आर वुमेन एंड 10 अवार्डीज फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फॉरनर्स, NRI, PIO, OCI एंड 13 की बात करें तो 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता हमें देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में, राइट। पद्म विभूषण मिला तो कितने लोगों को है, कितने लोगों को दिया गया है, 4 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण, ठीक है। कल्याण सिंह जो कि है फॉर्मर CM ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, मरणोपरांत से इनको नवाजा गया है। साथ ही मैं आपको बता दूँ जनरल बिपिन रावत, इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जो पोस्ट पर रहे थे जनरल बिपिन रावत जी, इनको भी मरणोपरांत की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है, पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया है, राइट। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग पद्म भूषण के बारे में। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद जी को पद्म भूषण से नवाजा गया है, राइट। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री कौन, बुद्धदेव भट्टाचार्य,
इनको पद्म भूषण से नवाजा गया है इस साल। साथ ही मैं आपको बता दूं, कोवैक्सीन के निर्माता भारत बायोटेक के अध्यक्ष कृष्णा एला और उनकी सह संस्थापक पत्नी सुचित्रा एला जी को पद्म भूषण से नवाजा गया। साथ ही मैं आपको बता दूं, क्या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक साइरस पूनावाला जी को भी पद्म भूषण से इस साल नवाजा गया। तो आपको पता होना चाहिए, वैसे तो कितने अवार्ड्स मिले हैं पद्म भूषण की कैटेगरी में, 17 अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन जो मोस्ट हाईलाइटेड पर्सनालिटीज़ हैं, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाँ, आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस किन के बन जाते हैं, उनके मेन मेन नाम मैंने आपको बता दिए, राइट। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग पद्मश्री के बारे में। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, सबको पता होगा इनके बारे में, ठीक है। ओलंपिक में गोल्ड का मेडल ये लेकर आए हैं नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो के स्पोर्ट्स में, राइट। तो उनको पद्मश्री से नवाजा गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं, ओलंपियंस प्रमोद भगत, इनको भी पद्मश्री से नवाजा गया। वंदना कटारिया, इनको भी पद्मश्री से नवाजा गया। और जो सिंगर हैं सोनू निगम जी, इनको भी पद्मश्री से नवाजा गया, ठीक है। तो ये सारे कैटेगरीज में इस तरह से अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। किन के द्वारा दिया गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति जी के द्वारा ये सारे अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कितने अवार्ड्स दिए गए, मैं अगेन से आपको बता देती हूँ, 4 मिले, 4 अवार्ड मिले पद्म भूषण में, ठीक है, और सॉरी पद्म विभूषण में 4 अवार्ड्स मिले, 17 अवार्ड्स मिले पद्म भूषण की कैटेगरी में। एंड अगर हम लोग यहाँ पर बात करें पद्मश्री की कैटेगरी में, तो पद्मश्री की कैटेगरी में 107 अवार्ड्स मिले। अब ये सारे तो आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि सारे तो एग्जामिनर पूछेगा नहीं, नॉर्मल सी बात है। जो जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है उनके बारे में हमने बात कर ली, कौन सा अवार्ड किनको मिला, ये सारे मैंने आपको बता दिए प्रॉपर तरीके से, राइट। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, आई होप कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ करके लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बगल में बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएँ। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।